पांचवें अध्याय में वंशानुगत की विभिन्नता के सिद्धांत के बारे में बताया था, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सब पार्ट में होंगे, भाग में होंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स बड़े हैं, हमको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पांचवा चैप्टर आपका वंशानुगत की विभिन्नता के सिद्धांत। इस अध्याय में पहले हम समझ लेते हैं कि क्या बताया जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि माता पिता से संतान में माता पिता के लक्षण कैसे जाते हैं, मतलब वो सारे लक्षण जो आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। माता पिता से, जैसे माता पिता का कोई लक्षण हो गया, मान लो इनकी लंबाई होगी, कहते हैं ना कि इनकी लंबाई तो इनके पिता के समान है, तो ये हुआ कि पिता का लक्षण उनके संतान में उत्पन्न हुआ।